बीजेपी ने मणिपुर में इंसानियत के जगह हैवानियत निर्माण की है और उसका पूरा दोष नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री पे जाता है। हमारे नेता राहुल गांधी जी वहाँ पहुँचे, वहाँ के लोगों को, वहाँ की हालत को समझे, उन्हें वहाँ का प्यार का संदेश दिया, लोगों को लगा कि आपस में लड़ो मत, एक साथ आओ। लेकिन बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और ये सरकार ने इंसानियत के जगह हैवानियत बना के रखा है। वहाँ के मुख्यमंत्री ने ये खबर क्यों नहीं दी है, इसकी मालूमात, उसका रिज़ाइन मांगा जा रहा है। हम तो मांग करेंगे कि नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा देना चाहिए। जब ये देश का एक हिस्सा जब जल रहा था, प्रधानमंत्री जी को बार बार अवगत किया जा रहा था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी बताया, लेकिन उसके बारे में बात करने को वो तैयार नहीं। सेकंड थिंग, ऐसा देखा जाए तो तब वो अमेरिका में घूमने जा रहे, वो फ्रांस में घूमने जा रहे, तो क्या प्रधानमंत्री जी को ये उम्मीद अपेक्षित था? इस तरह का कांड पूरे दुनिया को दिखाने का, हिंदुस्तान का ये सब बदनामी करने का पाप देश की सरकार ने किया, ये सवाल इसमें खड़े होते हैं। और इसलिए मणिपुर के मुख्यमंत्री ने नहीं तो देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए, मांग कांग्रेस करे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।